आज पठानकोट में मुस्लिम भाईचारे की तरफ से ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंजाब कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए और मुस्लिम भाईचारे को अपने संदेश में ईद की शुभकामनाएं दी। मौके पर कहते हुए मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे व प्रेम का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार हमें ये संदेश देता है कि हमें आपस में प्रेम, देश के प्रति सद्भावना हमेशा रखनी चाहिए। वहीं ईद के मौके पर सभी मुस्लिम भाईचारे ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। खास तौर पर अपने मुसलमान भैणा भरावान बहुत बहुत मुबारक और पवित्र दिहाड़ा उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती लैके आए, उन्होंने आसा उम्मीदा पूरिया करे कि अज मैं दुआ भी करदा। और मैं अज पठानकोट के अंदर हीरा मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा इकट्ठ साडे मुस्लिम भाईचारे वालों किया गया, नवाजदा की गई है और जिमें उन्होंने अकीदे है, जिमें उन्होंने परंपरावान ने कि वह हर ईद के उत्ते ना केवल अपनी खुशियां लिए बल्कि समुची कायनात के अंदर जोड़े बसन वाले लोग ने मनुख ने उन्होंने जिंदगी अंदर तरक्या की दुआ करते हैं, शांति की दुआ करते हैं। सो अज बहुत माण सत्कार इतों मिलया। सो मैं लाजमी तौर पर इस गल का शकीन भी अपने जहाँ प्यारे तो निघे दोस्तों अपने इस मुसलमान समाज को दवाना कि किसी भी तरह की पंजाब सरकार वालों भी और मेरे निजी रूप के भी जिस किस्म की भी कोई इन्हों कोई साढ़े लायक ये हुक्म कर, मैं समझागा कि असी एक इंसानी रूप के एक इंसानी चोले के जोड़ा एक वचन करके आए होंगे कि असं समाज के अंदर बेहतर करा जो नवाण के लिए मेरिया कोशिशा है। सो फिर दोबारा ईद के इस पवित्र दिहाड़े उत्ते सब जगत के लोगों कनाज के जिन्हें भी रुख बजते हैं संसार से उन्होंने मुबारक और मैं आस करदा उम्मीद करदा भी ईद मतलब सारे समाज की जिंदगी दे विच एक वधिया जिहड़ा आ संदेश लैके सुनेहा लैके आई है और भविख के अंदर भी साडा समाज इस तरह एक दूजे के खुशियां च, एक दूजे दी गमियां च, एक दूजे के चावां दे विच, एक दूजे के त्यौहारां दे विच जिहड़ा असीं शामिल हुंदे रहीए। मैं समझांगा कि भारत का जिहड़ा एक गुलदस्ता आ फुलवाड़ी आ भारत की, उस फुलवाड़ी नूं असीं होर चार चंद लांदे होवांगे। सो फिर दोबारा ईद दीआं सब नूं बहुत बहुत मुबारकां और दुआ करदा कि अगला साल फिर साडी जिंदगी दे अंदर इस तरह का ईद का मौका सानूं देखण लई मिले। सब नूं मुबारक। ईद की नमाज पर आप लोगों से रूबरू होता रहा, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ईद मुबारक तो आप मेरी मंजूर करेंगे ही करेंगे, आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान तो करते ही होंगे। ईद दुनिया में अपनी खुशियाँ दूसरों को बांटनी है। मैं खुश हूँ इसका मतलब कोई मतलब नहीं रहता कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इससे कोई सरोकार नहीं। मेरे सामने वाला कोई मजलूम गरीब मुर्बा कोई गरीब है, अगर वो आदमी दुखी है, अगर आदमी वह भोजन से महरूम है तो आप खुशी को कोई मायने नहीं रखता। आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो, आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा, कोई एक रुपया नहीं लगेगा, इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा।